हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके बर्ड सब अच्छे से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो मेरे सेटअप की है, और मैंने कुछ एग्जीबिशन फिंच के पेयर लिए थे जिनके बच्चे निकल आए थे। बच्चे निकलने के बाद अब उन्हीं बच्चों ने, मेरे सेटअप के बच्चों ने ब्रीडिंग की है, उन्हीं की मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस आज आपको दिखा जा रही हूँ अपनी एग्जीबिशन फिंच की। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अब ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, सारे बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपनी ब्रीडिंग सेटअप की वीडियो दिखा दी जाए। और एग्जीबिशन फिंच जो है ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, आप अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनमें। फिंचेस काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करती हैं, अंडे बनाने की मशीन कहा जाता है इन्हें। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ अपने सेटअप की ओर, चलिए आगे देखते हैं, चलते हैं हम अपने एक पेयर को देखते हैं। इसमें तीन अंडे ले किए हुए हैं, कोशिश करती हूँ आपको थोड़े पास से दिखाता हूँ। ये देखिए तीन अंडे दिए हुए हैं। अब अगले पेयर की तरफ चलते हैं आपने, इन्होंने एक अंडा ले लिया है। चलिए अब अगले पेयर की तरफ चलते हैं। ये भाई साहब तो बैठे हुए हैं अंडों पे, तो दिखाई नहीं रहे। चलो दोबारा कोशिश करते हैं, ये नहीं दिखाएंगे, मुश्किल लग रहा है काफ़ी। इन्हें परेशान करना भी ठीक नहीं है इस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, बैठे रहने देते हैं। अब चलते हैं हम अपने पेयर की, अगले पेयर की ओर। इस पेयर ने मेरे 8 अंडे दिए थे, एक अंडा बहुत छोटा दिया है, शायद पहली बार ब्रीडिंग कर रहे हैं इसलिए दिया है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें एक चिक भी निकल गया है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है इनकी। और ये जो मेरी फीमेल है ना वो ब्लैक चिक है, चलिए मैं दिखा देती हूँ उसे भी आपको। ये देखिए ब्लैक चिक। ऐसी लगी आप सबको मेरी एग्जीबिशन फिंचेस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, कोई बात अच्छी है तो कमेंट कीजिए, उससे ना हर टॉपिक के लिए एनर्जी मिलती है, हम अच्छा टॉपिक बना पाते हैं उससे, आप कमेंट करते हैं तो। तो आज के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।